हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं और लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, एक क्वेश्चन आप अपने आप से हमेशा पूछ सकते हैं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। जब तक पढ़ाई के लिए, जब तक कुछ बनने के लिए हमें अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक मेरा यकीन मानिए हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। सो जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन हमेशा किया करता था कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ के मुझे क्या मिलने वाला है। तो बच्चों, मेरे अंदर से तीन चार आवाज़ें आया करती थी और मैं इंशाल्लाह, या मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके अंदर से भी वो आवाज़ें आती होंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मैं अपने माता पिता को देखता हूँ, उनकी आंखों में सपने देखता हूँ, उनकी आंखों में अरमान देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, क्या जब इनका बुरा टाइम आएगा, बुरा टाइम इन द सेंस जब ये इनकी एज बढ़ जाएगी, तो जब इनके पास, पिताजी के पास अभी तो सामर्थ्य है कमाने का, पर जब इनके पास सामर्थ्य नहीं होगा तो क्या मैं इनके सपने पूरे कर पाऊंगा? क्योंकि यार मेरे सपने पूरे करने की तो इन लोगों ने अपनी हर एक चीज़ को त्याग किया, अपने हर एक शौक, अपने हर एक अरमान को त्याग किया है। तो यार क्या मैं इनके बुरे टाइम में इनके साथ रह पाऊंगा? सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए एक बर्डन तो नहीं बन पाऊंगा? जैसे कि आज ही मैंने क्लास में किसी स्टूडेंट को कहा, आई सेड सम स्टूडेंट इन द क्लास टुडे कि बेटा अगर आप नहीं पढ़ पाओगे ना, तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप अभी तक अपनी क्लास में BFF बोलते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, यही बंदा आपसे दूर भाग जाएगा ये सोच के कि यार आप कहीं उससे मिल गए तो आपने उससे 100-200 रुपये उधार मांग लिए, तो वो आपसे दूर चला जाएगा अगर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो सेकंड चीज़ जो है, माता पिता के सपनों के बाद जो सेकंड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, वो ये है कि यार आज से 5 साल के बाद मेरे दोस्त लोगों का मेरे प्रति नज़रिया क्या होगा? क्या वो नज़रिया वही होगा जो नज़रिया अभी है, या फिर कोई दूसरा नज़रिया होगा? तो ये चीज़ भी आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखनी है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे खुद के सपने क्या हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के प्रति कितना जवाब दूँ? क्योंकि बच्चों आज तो मैं सिंगल हूँ, कल हो सकता है, कल डेफिनेटली मेरी शादी होगी, तो क्या मैं मेरा जो भी जीवन साथी होने वाला है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, मैं लड़कियों के केस में बोल रहा हूँ, तो क्या मैं उसके सपने पूरे कर पाऊंगा? क्योंकि माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, बट डेफिनेटली जो भी हमारी लाइफ में आने वाला है वो भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आने वाला है। क्या मैं उसके सपने पूरे कर पाऊंगा? क्या मेरे खुद के सपने में पूरे कर पाऊंगा? क्योंकि बच्चों आप सबको पता है, इंटरनेट युग है, नए कपड़े आते हैं, नई ड्रेसिंग आती है, नए नई कार लॉन्च हो रही है, हर साल हर 6 महीने में नए मोबाइल आते हैं। तो बच्चों इतनी सारी, बच्चों और आने वाला टाइम, बिलीव कीजिए मेरा, आने वाला टाइम ऐसा है कि जहाँ पे लाइफस्टाइल की चीज़ें इतनी ज़्यादा आकर्षित करने वाली, हम सबको इतनी आकर्षित करने वाली हैं, तो क्या हमारे पास उन चीज़ों का भविष्य में खरीदने का सामर्थ्य रहेगा? अगर नहीं रहेगा बच्चों, बिलीव कीजिए मेरा, आपको शायद लग रहा हो कि दुष्यंत सर क्या बोल रहे हैं, कैसा टॉपिक है, बट अगर आपके पास भविष्य में उन चीज़ों को खरीदने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, आपका मन आपको अंदर से बहुत गालियां देने वाला है, आपका मन रोज निराश होगा कि यार मैं अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तीसरी चीज़ हो जाती है। चौथी चीज़, बच्चों चौथी चीज़ एक जनरल चीज़ है, क्या मेरे माता पिता को कभी ज़िंदगी में मैं अपने ऊपर गर्व करवा पाऊँगा? क्या मेरे माता पिता कभी किसी के सामने ये बोल पाएंगे कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया तो इस बच्चे को पैदा करके किया है, ये बच्चा जब से कमाना शुरू किया है, इस बच्चे ने मेरे जीवन के सारे कष्ट हर लिए हैं, सारे दर्द हर लिए हैं। बिलीव कीजिए शर्मा जी, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, हाँ बेटा, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि ये बच्चा मेरे यहाँ पे आया, ये बच्ची मेरे यहाँ आई है। सो बच्चों क्या हम ये कर पाएंगे? ये चौथी वजह मैं आपको दे रहा हूँ पढ़ने की। पाँचवीं वजह, बच्चों पाँचवीं वजह तो मेरे ख्याल से कोई वजह ही नहीं है, ये चार वजह बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, आप अपना घर ही एक बार देख लीजिए बच्चों। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं तो मत देखिए, बट अगर आपका घर देख लीजिए बच्चों, आपके घर का किचन देख लीजिए, और आपके घर में आप, क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर पे आपको बड़ा घर में रहना चाहिए, या आप अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा घर कर सकें? आपके पिताजी के पास स्कूटर है, क्या आप ये नहीं चाहते कि आप अपने पिताजी को एक कार गिफ्ट करें? सो बच्चों प्लीज, कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलने वाला है, इन चार पांच वजहों का निष्कर्ष यही निकलेगा कि यार आप कुछ भी कीजिए बट पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। और जब मैं पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई के साथ अनुशासन चाहिए। अनुशासन क्या है? आज पढ़ाई की, कल पढ़ाई नहीं की, कहानी खत्म, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। हमारा तो CS कोर्स ऐसा है कि अगर आज पढ़ाई की और कल पढ़ाई नहीं की तो आज का सब भूल जाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं और एकदम आज तो मैं पढ़ाई करूंगा, आज तो आग लगा दूंगा,
कहानी खत्म, 2 घंटे पढ़ाई किया, उनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, उनके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, उनके फ्रेंड का मैसेज आया, ये चलना निकलना क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, निकल जाते हैं। सो बच्चे जब मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैं ऐसी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि जिसमें पढ़ाई के साथ ढेर सारा अनुशासन हो, क्योंकि पढ़ाई बिना अनुशासन के समोसे बिना आलू है, देश बिना मोदी है, या जो भी है बच्चों, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट देश बिना मोदी है। पढ़ाई के बिना इंडिया विदाउट इंडियन आर्मी है, पढ़ाई के बिना मंदिर, बिना अनुशासन के बिना पढ़ाई वैसी है जैसे मंदिर बिना भगवान के। सो बच्चों पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।